हेलो गाइस, वेलकम टू स्टार फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको हिमाचल में आई हुई वैकेंसी जो कि है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट क्लास वन गेजेटेड पोस्ट है। इसकी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी सारी जो मेन डिटेल्स है उसके बारे में पता लग सके। इस वीडियो में बताऊँगा आपको इसकी एज क्राइटेरिया के बारे में, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कब से कब तक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा और बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 19/2019 है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका। ये रिलीज़ किया गया है CPSE के द्वारा 9 नवंबर 2019 को। अब इसमें पोस्ट का नाम क्या है? पोस्ट का नाम है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट क्लास वन गेजेटेड पोस्ट है। और ये पोस्ट जो निकली हुई है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस की पोस्ट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट में फिलअप की जाएगी। अब इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि किया जाएगा www.hp.gov.in/hppsc। और 29 नवंबर 2019 तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट डिटेल पे आते हैं जो कि है इसका एज क्राइटेरिया। तो एज होनी चाहिए आपकी 35 साल या उससे कम। तो 35 साल से कम एज के आप होने चाहिए और अपर एज लिमिट जो है वो रिलैक्स की जाएगी 42 साल तक जो ऑलरेडी सर्विस हैं गवर्नमेंट की। तो इसके लिए मेन जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 35 साल या फिर उससे नीचे का। और इसके लिए अब वैकेंसीज़ की बात करें तो 9 वैकेंसीज 9 पोस्ट इसके लिए निकाली गई हैं, जिसमें जनरल की 5 पोस्ट, ST ऑफ HP की 1 पोस्ट और OBC की 2 पोस्ट और जनरल एक्स सर्विस मैन ऑफ HP की 1 वैकेंसी निकाली गई है इसमें। अब बात करेंगे इसके लिए एजुकेशन और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में या फिर इंजीनियरिंग में, और आपने अगर BSc किया है या फिर बैचलर्स डिग्री की है इंजीनियरिंग में, तो आपने ये जो नीचे लिस्ट दी गई है सब्जेक्ट्स की, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट अपना जो है ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। अब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि आपके पास ऑप्शन में दिए हुए हैं जिनसे एक आपके पास होना चाहिए, तो इसमें बताना चाहूँगा आपको। इसमें है एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन स्लैश साइंस। इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी और हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, वेटरनरी साइंस और जूलॉजी। तो ये हैं अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है साइंस में या फिर इंजीनियरिंग में, या फिर अगर आपने ऑनर्स सर्टिफिकेट होल्डर हैं आप और आपने ऑनर्स सर्टिफिकेट जो है वो किया हुआ है फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं, उनके द्वारा रन किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप अगर ऑनर सर्टिफिकेट होल्डर हैं और इन केस ऑफ ग्रेजुएट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में, उनके पास 10+2 में उन्होंने साइंस सब्जेक्ट जो है पढ़ा होना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन आपकी है तब भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कस्टम्स का, मैनर और डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश का, और अगर आपको कहीं भी अपॉइंट किया जाता है हिमाचल प्रदेश के एरियाज़ में तो उसके लिए आपकी सूटेबिलिटी है या नहीं है। अब इसके लिए एक न्यू थिंग जो है वो है नंबर ऑफ़ चांसेस। तो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 6 चांसेस जो हैं वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। तो इसमें जो हैं 6 चांसेस होंगे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए, यानी कि आप 6 बार ही ये पेपर जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। और जो SC ST और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई लिमिट चांसेस की जो है वो नहीं है। तो अगर आप OBC, SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इन 3 कैटेगरीज़ के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए 6 चांसेस की लिमिट जो है इसके लिए एप्लीकेबल है। अब इसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स भी आपसे मांगे गए हैं जो स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं। मेल के लिए हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर, चेस्ट 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन और 84 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन। कैपेसिटी टू वॉक, आपकी जो वॉक करने की कैपेसिटी होनी चाहिए वो 4 घंटे में 25 किलोमीटर। और फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए हाइट रखी गई है 150 सेंटीमीटर, चेस्ट 74 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 79 सेंटीमीटर और इनके लिए कैपेसिटी होनी चाहिए वॉक करने की 4 घंटे में 16 किलोमीटर। तो इनके लिए ये मेल का क्राइटेरिया है और फीमेल क्राइटेरिया। और जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं ST से और या तो गोरखा से, असमीज़, मेघालय, लद्दाखीज़, सिक्किमीज़, गढ़वालीज़, कुमाऊनीज़, नागा, अरुणाचल प्रदेश, मिजो, लाहौल एंड स्पीति, तो यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट की हाइट मांगी गई है 152 सेंटीमीटर और फीमेल की
145 सेंटीमीटर। फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल और EWS कैटेगरी के लिए इसकी फ़ीस रहेगी 400 रुपीज़, और OBC SC ST के लिए इसकी फ़ीस रहेगी 100 रुपीज़। एक्स सर्विस मैन ऑफ HP के लिए रहेगी 0 फीस, कोई फ़ीस इनसे जो है नहीं ली जाएगी। तो जनरल कैटेगरी 400 एंड OBC SC ST रिजर्व कैटेगरीज के लिए 100 रुपीज़, और एक्स सर्विस मैन ऑफ HP के लिए कोई फ़ीस नहीं। तो ये था गाइस आज की वीडियो में, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।